सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर में छात्रों ने नई शुरुआत करते हुए पुलवामा में शहीद हुए 42 अमर जवानों को 42 पेड़ लगाकर जिलाधीश की उपस्थिति में श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं इस अवसर पर छात्र सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर की उपलब्धियों की वार्षिक पत्रिका का भी जिलाधीश ने विमोचन किया। छात्र सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर में की गई नई शुरुआत पुलवामा में शहीद 42 अमर जवानों को 42 पेड़ लगाकर जिलाधीश की उपस्थिति में श्रद्धांजलि दी गई। इसके अलावा वायुसेना के बिग कमांडर अभिनंदन की रिहाई की प्रसन्नता पर भी खुशी जताई गई। जिलाधीश बाटिया ने छात्र सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर प्रबंधन की इस नई शुरुआत के प्रति सराहना की। उन्होंने कहा कि देश के लिए सुरक्षा के लिए पुलवामा में शहीद हुए 42 जवानों की शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ियों को इस वीर जवानों के बलिदान से हमेशा प्रेरणा मिलती रहेगी। इस दौरान उनकी आत्मिक शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। इस अवसर पर छात्र सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर की उपलब्धियों की वार्षिक पत्रिका का भी जिलाधीश ने विमोचन किया। विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई की प्रसन्नता में स्कूल में मिठाई व फल भी बांटे गए। जो पुलवामा अटैक अभी हुआ हमारे सैन्य बलों पर, और उसमें 42 देश के होनहार सैनिक शहीद हुए थे, उनकी यादाश्त में और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज बॉयज स्कूल की तरफ से एक वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम रखा गया है, ये बड़ा ही सराहनीय कदम है और ये दृढ़ता बताता है कि किस तरह से हमारे सभी जो शहर के लोग हैं वो सरहदों पे बैठे हुए सैनिकों के साथ हैं और शहीदों के परिवारों के साथ हैं। बिलासपुर से वैसे भी हमारे जो आर्म फोर्सेज हैं इसमें बहुत सारे सैनिक आज की डेट में सेवाएँ दे रहे हैं, तो ये एक तरह से हमारी यूनिटी का और हमारी एकता का परिचायक है और इस तरह के कार्यक्रम होना एक काबिले तारीफ कदम है और इससे बच्चों को भी बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। हो सकता है कल इनसे इनमें से भी कई जो विद्यार्थियों सेना में जाएं तो इससे थोड़ी प्रेरणा भी इनको मिलती है, थोड़ा पर्यावरण के प्रति चेतना भी इनमें आती है और ओवरऑल एक अच्छा संदेश जो है सभी लोगों में जाना। और आज जैसे बताया गया कि एज अ पीस जेस्चर हमारे एयरफोर्स के एक जो पायलट है अभिनंदन जी, उनको भी आज छोड़ा गया है, तो उसकी भी आज मैं देख बड़ी खुशी की लहर है और बच्चों में इस तरह की लहर होना जो है अपने आप में एक बड़ा पॉजिटिव साइन है कि किस तरह से देश प्रेम की भावना जो है वो स्कूलों के माध्यम से इन सभी जो हमारे देश का भविष्य है इनके दिलों में है और इनके बहुत अभिनंदन को अभिनंदन करने का मौका है तो हम सब की दुआएं उनके साथ है। भगवान उनको सुरक्षित अपने देश में भेजे, वो अपने देश में आए, अपनी धरती में आए और फिर से अपनी देश की रक्षा में फिर से आगे चले जाए, क्योंकि ये लोग पीछे हटने वाले नहीं। जैसे आप देख रहे हैं, आपने टीवी में भी देखा होगा, उनके चेहरे पर मार पड़ रही है लेकिन शिकन बिल्कुल भी नहीं, कोई भी डर नहीं, कोई भी पीड़ा नहीं, वो फिर भी उसी जोश में है। तो यही जज्बा, यही देशभक्ति हमें अपने देश के लिए रखनी है।